हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलती है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे रबड़ी। तो आपको हम रबड़ी बताना सिखा रहे हैं आज। तो ये हमारे पास है ना, 1 किलो 1 लीटर फुल क्रीम दूध है। तो आज हम इसके ना रबड़ी बनाएंगे। पहले रक्षाबंधन है तो घेवर बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम रबड़ी तैयार करती हैं। दूध हमें पूरा फुल क्रीम वाला ही लेना है। तो गाइस, ये हमारा बहुत अच्छा सा खोलने लगा है दूध। उसकी अच्छे से हल्का सा गाढ़ी होने पे आ रहा है। तो गाइस, ये दूध हमारा ना टूट टूट के कितना कम रह गया है। गाइस, ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। इसको हमें फीका ही रखना है क्योंकि घेवर पहले से ही बहुत सारा मीठा होता है कि चाशनी के अंदर जाके। तो आप चाहो तो मीठा कर सकते हो उसकी रबड़ी को, लेकिन ये ज़्यादातर फीकी ही अच्छी लगती है। इसको हम बंद कर देंगे इसको, क्योंकि रख के ये ठंडी होगी, बहुत सारी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब रबड़ी हमारी तैयार है। गाइस, आज हम बनाएंगे घेवर। तो घेवर के लिए हमें क्या चाहिए? 1 कटोरी मैदा, 4-5 बर्फ के टुकड़े, और आज हमें ना 2-3 चम्मच घी लेंगे। ये देसी घी है, खाने वाली चम्मच ही लेनी है, इसे राइस खाते हैं। 1, 2, 3। और हम ये बर्फ है ना, इसमें हम बर्फ के टुकड़ों को डाल लेंगे। तो गाइस, इसको हमें ना, आज मैं आपको ना हाथ से ही बना के दिखा रही हूँ। चाहो तो आप ये मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी हर किसी के घर नहीं होती है। तो गाइस, ये हमारा घी एकदम मक्खन में बदल गया है, और ये देख रहे हैं बिल्कुल घी का कलर भी बदल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह चम्मच से 1 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालेंगे। अब इसमें मैदा डालेंगे आराम आराम से, और 1 चम्मच डालेंगे बेसन, भर के डालना है। और ये दूध डालेंगे, दूध इसको ना इस तरह घोलना है, इसमें ना एक भी गुठली नहीं पड़ पाए। और जो हमारे पास मैदा था पूरी 1 कटोरी ले ली, धीरे धीरे करके डालना है और अच्छी तरह फेंटना है, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अभी ये गाढ़ा है बहुत, तो हम इसमें एकदम ठंडा बर्फ़ वाला पानी फ्रिज का वो डालना है अच्छी तरह। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि एकदम पतला हो जाएगा, तो बहुत बेटर बेकार हो जाएगा गोल। और अच्छी तरह देख लो, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ना चाहिए। और ये चमचे के ऊपर देख रहे हो ना, हल्का सा गोल चिपक रहा है ना, वैसे ही बनाना है। अगर आपका बाय द वे पतला होता है तो आप थोड़ा सा उसमें बेसन मैदा डाल लें। और एक बर्तन में हमने बर्फ़ ले ली है, और इस गोल को हमें ना इस बर्तन के ऊपर रख देंगे, क्योंकि ये ठंडा रहेगा ना तभी अच्छा बनेगा। तो नीचे बर्फ़ रख लिया, ऊपर से ये रख लिया है, ये थपेला ले लिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे, घेवर है तो देसी घी में ही अच्छा लगेगा। अब घी गर्म हो रहा है, ये ना हम इस बोतल में बनाएंगे। अगर आपके पास ऐसी बोतल है तो आप इसमें बनाना, नहीं तो ये पेप्सी की बोतल है छोटी वाली, इसमें बनाना। हॉल कर लेना इसके छेद पे ढक्कन के ऊपर। अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, घोल हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तब ये देखा सब फिर थम गया है, इसमें हम फिर से डालेंगे ऊपर, एकदम ऊपर से धार बना के डालना है। थोड़ी थोड़ा करके डालना है, ये हमारा सिक रहा है अच्छा सा। इसके झाग जितने शांत होते जाते हैं हम वैसे ही डालते जाते हैं। इसको हम ठंडा ही रखना है एकदम, और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। ये हमारा सिक गया है, अब इसको हम आराम से ले लेंगे बाहर। तो गैस,
ये हमारा घेवर बन गया है, बहुत करारा है, अच्छा सा घेवर बना है। हम और ऐसे ही बनाएंगे। मैं आपको चमचे से बताना सिखाया था, अब मैंने ना ये सॉस वाली बोतल में भर लिया है इसके बैटर को। इसके बीच में हम हल्का सा होल कर देते हैं। गाइस ये भी हमारा पक गया है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एकदम आराम से। ये दूसरा बन के अच्छा, हमारे घेवर बन के तैयार हो गए। अब हम इनके लिए चाशनी की तैयारी करेंगे। मेरे पास है ना एक कटोरी शक्कर है, तो इसको हम भगोनी में रखे डालेंगे। तो गाइस ये चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो इसके हमें तार वार वाली चाशनी कुछ नहीं चाहिए, एकदम सिंपल चाशनी चाहिए, चिपचिपी टाइप की ऐसी होती है ना गुलाब जामुन से, थोड़ी हल्की सी ढीली सी। हमारी चाशनी बनके भी तैयार हो गई है, तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारे घेवर बनके तैयार हो गए, अब इन्हें हमें मीठा करना है, इनको चाशनी में डालना है। तो जो हमने पहले रबड़ी बनाई थी ना, तो ये रबड़ी है, और कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, इसमें काजू है, चिरौंजी है, पिस्ता है, बादाम भी हैं, और ये हमारे पास केसर के धागे हैं, और एक चीज़ बहुत शानदार चीज़ इसको स्वाद बनाती है, ये शहद है। इसमें हम शहद से भी मीठा करेंगे और चाशनी से भी मीठा करेंगे, तो इसमें शहद बहुत ज़रूरी होता है डालना। अगर शहद आपके पास हो तो डाल दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन है तो आप डालो, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह की एक चलनी ले लेते हैं, ताकि इसमें जो चाशनी आएगी ना तो नीचे चली जाएगी, तो इसे हम इसके ऊपर रखते हैं। तो हम इसमें ना चाशनी डालेंगे। गाइस अब हम इसमें डालेंगे शहद, जो घेवर की जान है। इसके ऊपर लगाएंगे हम रबड़ी। हर चीज़ को आराम आराम से करना है, क्योंकि घेवर बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है। आप इसको बिना रबड़ी के भी रख सकते हैं, चाशनी का भी रख सकते हैं खाली। तो अब इनके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसके ऊपर से डालेंगे थोड़े केसर, खुशबू आती है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप अपने भाइयों की जब राखी बांधो, तो प्यार भरे हाथों से प्यार भरी मिठाई अपने भाइयों के लिए ले जाना, बहुत स्वादिष्ट होती है। गाइस ये मेरा घेवर बनके तैयार हो गया है, और सारे घेवरों को इसी तरह हम रबड़ी लगा लेंगे और ड्राई फ्रूट लगा देंगे। तो गाइस ये हमारे घेवर बनके तैयार हो गए हैं, रक्षाबंधन की बहुत स्पेशल वाली मिठाई है भाइयों के लिए। गाइस आज मैंने जैसे बनाया आप वैसे ही ट्राई करना, और एक मैंने चम्मच से सिखाया था आपको, एक बोतल से सिखाया था आपको, बस ये ऐसे ही बनता है, बहुत सिंपल है, कहने को सिंपल है, और बनाते हैं तो थोड़ा टफ भी लगता है। अगर आप इस जिस तरह मैंने बनाया है आप उसी तरह से फॉलो करोगे ना, तो आपका घेवर बहुत अच्छा बनेगा। पहले चांस में ज़्यादातर सबका ख़राब बनता है, दो एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। गाइस आप ज़रूर ट्राई करना, और मेरे इस घेवर को आप लाइक करना, मेरे चैनल सीमांस कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना। तो मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। टेक केयर। हाय हो, आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना, और मेरे चैनल सीमांस कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आए। टेक केयर।